अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमारी हो रही है आज सहरी, ये है खीमा आलू मटर विद रोटी। और ज़हरा यहाँ पे बहुत स्लो थी तो मैं बोल रही थी ज़हरा को जल्दी जल्दी खाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी मुकम्मल हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ के बाद सुबह के अस्कार और कुरान पढ़ के हम लोग आज जल्दी सो गए थे गाइस, क्योंकि रात में लेट सोए थे इसलिए इशराक के फौरन बाद हमें सोना पड़ा आज। और क्योंकि मैं 10 बजे उठ गई थी, बच्चे अभी सो रहे थे, क्योंकि मुझे बनाना था कस्टर्ड जूस, इसलिए 1 लीटर दूध में मैंने थोड़ा सा शक्कर मिला के अच्छी तरीके से उबाल लिया था। और यहाँ पर देखिए साइड में थोड़ा सा दूध रख लिया, और वहाँ पर आधा पैकेट कस्टर्ड डाल के मैंने इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया था। ये देखिए अभी 1 लीटर दूध शक्कर के साथ उबालते हुए जो फाइन पेस्ट था उसको अच्छी तरीके से दोनों को एक साथ मिक्स करते हुए इसको पकाना है, क्योंकि अगर थोड़ी देर भी इसको छोड़ें तो लम्स बन सकते हैं। ये देखिए सेपरेट से यहाँ पे 2 लीटर दूध भी मैंने उबाल लिया था, ये अलग सा 2 लीटर दूध शक्कर के साथ ये अलग से उबाल लिया था। और यहाँ पर मैंने लिया था नेक्स्ट फालूदा, इसको आधा घंटा भिगो के इसको भी पका लिया था। और ये जो उबलता हुआ दूध और कस्टर्ड था ना, ये मैंने 3 आवर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था गाइस। ये देखिए फ्रीज होने के बाद ये अच्छी तरीके से हार्ड हो चुका है कस्टर्ड। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा दूध मिला के। ये कस्टर्ड पाउडर, ये कस्टर्ड जो है ये था 1 लीटर दूध का, और यहाँ पे सेपरेट जो मैंने दूध शक्कर के साथ उबाला था वो था 2 लीटर का। ये देखिए ये 2 लीटर का दूध था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कस्टर्ड देते हुए थोड़ा सा दूध लेते हुए दोनों को मिला के मिक्स करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए इसका बन जाएगा इतना क्रीमी 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 जूस। ये देखिए ये इस तरह लगेगा। तो इसी तरीके से जो भी कस्टर्ड बाकी है वो, और जो भी 2 लीटर का दूध बाकी था ना, वो दो मिला के इसी तरह हम इसका पेस्ट बना लेंगे, ऐसा फाइन जूस क्रीमी जूस बना लेंगे। ये देखिए इसका जो रेस्ट ऑफ द ये था ना, तो ये भी कस्टर्ड ले लिया कस्टर्ड, और फिर वहाँ से दूध भी डाल लेंगे। तो कस्टर्ड में भी शक्कर डालना है हमें, दूध में भी शक्कर डालना है, तो दोनों को मिला के मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह क्रीमी क्रीमी जूस रेडी हो जाएगा। इसमें और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी हो रहा था जोहर का टाइम, तो मैं जा रही हूँ जोहर की नमाज़ को। बाकी इस जूस का काम जो है जोहर की नमाज़ के बाद करेंगे। तो ये देखिए क्रीमी क्रीमी जूस, इस तरीके से जूस रेडी था। तो मैंने इस जूस को फ्रिज में रख दिया ताकि मैं जाके नमाज़ पढ़ के आ जाऊँ, तो नमाज़ के बाद आके इसका कंटिन्यू बाकी जो भी काम है ना वो बाद में कर लेंगे कंटिन्यू। तब तक फ्रिज में इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बाह छी जाओ, अल्लाह हाफिज़, ढंग का मुंह ढंग का रखो। अच्छा चलो जोहर की नमाज़ को। तो गाइस अभी हो गया है जोहर का वक्त, और यूसुफ जा रहा है जोहर की नमाज़ को अपने पापा के साथ। ये देखिए 2 बज गए हैं, अभी 2 बजे की जमात है। और ज़ारा ज़ैनब नमाज की तैयारी फ़ौरन जल्दी जल्दी। अरे भैया का क्या है कचरा, भैया का क्या बना लग बैठे थे भैया, ये अच्छा खैर जल्दी जल्दी जाओ, जल्द वजू बना लेकर जो नमाज़ पढ़ लेकर, तो जल्दी जाओ जल्दी जल्दी नमाज फिनिश करो जोहर के। तो ये देखिए जिस वेज़ल में मैंने चाइना ग्रास अच्छी तरीके से उबाल लिया था ना, तो उसको सेट होने के लिए मैंने उसी बाउल में ही ठंडा कर दिया था। तो ये ठंडा होने के बाद इसको अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे। जो देखिए ग्रेट होने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना सॉफ्ट लग रहा है। तो चाइना ग्रास को याद रखें गाइस, उसको हार्ड होना है, ज़्यादा उसको सॉफ्ट नहीं करना है, तभी ये फॉर्म मिलेगा। और सब्ज़ी के बीज मैंने सुबह में ही भिगो दिया था, तो वही सब्ज़ी के बीज मैं यहाँ पर शरबत में मिला रही हूँ क्रीमी जूस में। और इसके बाद जो फालूदा ग्रेट किया था वो फालूदा भी मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखें तभी बनेगा मज़ेदार जूस। और ये है बादाम, और बादाम को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी और इसको भी मिक्स कर दूँगी। तो अभी फाइनली जूस पूरा कंप्लीट हो गया है, कस्टर्ड जूस, शक्कर, दूध, सब्ज़ी की बीज, फालूदा और बादाम, अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान रेसिटेशन यूसुफ, वेरी गुड यूसुफ, रिवीजन सुनाए ना, टच नहीं होगा नहीं। जैन क्या चल रहा है रिवीजन? चलो जरा एक पेज बाकी है मुझे सुनाने का, हाँ उसके बाद रेसिटेशन करो। ज़ारा क्या अब तक नहीं हुआ, कितना सुना है जैनब को? 1 पेज सुना ले, हाँ नेक्स्ट 1 पेज मुझे सुना लो, उसके बाद रेसिटेशन कर लिया रमजान का।
तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, बच्चों का यहाँ पे कुरान टाइम चल रहा है, किसी का रेसिटेशन, किसी का रिवीजन, तो ये है सबक आज के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लवर का तो इंशाल्लाह सब लोग ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और अभी हम जा रहे हैं, देखें सुबह के टाइम पे कुरान रेसिटेशन ये सब हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कस्टर्ड का जूस भी बना दिया था क्योंकि उनके ऑफिस को भेजना था उनके फ्रेंड्स के लिए, इसलिए तो जूस का सब हो गया है। और अब हम जा रहे हैं अम्मी के घर पे, अम्मी आप ही वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये देखिए ज़ारा ज़ैनब सब रेडी हो गए और निकल गए हम, तो चलिए चलते हैं अम्मी के घर पर। ये हमें अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही है जयान? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? अरे के बच्चे अल्लाह ऐसा पाल रही है ना, देखो फजीती करी ना ले लोग बड़े हो गए ना। दो दिन से आई डिडंट क्लीन इट अप, लेकिन क्लीन करना था, आई विल क्लीन इट ऑफ टुमॉरो। मासी कितने कितना है चाहिए, तब पूरा लॉन्ड्री रूम खाली मोशन था उनका। ठीक है टोमेटो खाती थी नो ओनली थ्री जिंदा है, तो थ्री जिंदा, फोर्थ वाला अब्बा ना एक हफ्ते में अब्बा सिर्फ देख रहे थे तो मर गया। कैसा पनी मार रही तो मार रही मारते बीच से मारती ना चुप चुप करके। You know, the first time they came, you know, kitna kharab mujhe maar rahe hain aapko. ये क्या यार? फिर पफ्स। ये क्या है? क्या वो? वो चंडे के पफ्स। मान आराम से हूँ। हाँ ना तू। तो गाइस अम्मी के यहाँ पे आए थे और पूरा बाजार सब हो गया, इफ्तारी भी हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज अब्बा, जाना तू बा अब्बा, अल्लाह हाफिज, तरावीक जाना बा अम्मी, जाना तू में देख के चेक कर लेती हूँ। चलो मोहम्मद यूसुफ इस्माइल जयान से अल्लाह हाफिज। اللهم انصرهم اللهم دمرهم وارزقهم القوة وألهمهم الصبر واربط على قلوبهم وأنزل عليهم من رحمتك اللهم اشف مرضاهم اللهم اشف مرضاهم تقبل شهداءهم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا दीदी कहाँ? क्या वो खेल ले थोड़ा मस्जिद में ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो हम घर वापस आ गए हैं। वालेकुम सलाम।
अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई है मुकम्मल, तो माशाल्लाह रोज़ की तरह आज का भी रेसिटेशन बहुत खूबसूरत था, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हार्ट टचिंग था, क्योंकि आज था सूरह यूसुफ, आज था सूरह यूसुफ और बहुत कुछ तो आज का सबक शुरू करते हैं बच्चों से। तो जैनब आयत बोलो बेटा बराबर सूरह यूसुफ आयत 49 रुकू 16 तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हमारा सबक यहाँ तक हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह 12th पारा तक हम लोग आ गए हैं माशाल्लाह, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो और आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपको इसका अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, अस्सलाम वालेकुम।